फ्रेंड्स, ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये एक मॉडल है 5 एम्पियर 90 वाट का। ये 12 वोल्ट 24 वोल्ट डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर मॉडल है। तो इस मॉडल का कनेक्शन हम किस प्रकार करेंगे और इस मॉडल से हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मॉडल का बैक साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 4.5 वोल्ट 232 वोल्ट लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है प्लस माइनस 4.5 और 32, ये इस मॉडल का इनपुट है और एम प्लस और एम माइनस जो लिखा हुआ है इस मॉडल का आउटपुट है। ठीक है, तो इस मॉडल में इनपुट और आउटपुट में कुछ इस तरह से हम 4 वायर जोड़ेंगे और ये सबसे पहले इसका इनपुट में सप्लाई देने के लिए प्लस माइनस रेड और ब्लैक दो वायर को इस तरह से जोड़ेंगे। बस ख्याल रहे कि आपको प्लस माइनस उल्टा नहीं जोड़ना है, नहीं तो आपका मॉडल खराब हो सकता है। इस तरह से प्लस माइनस देख करके इनपुट में 2 वायर जोड़ेंगे, उसके बाद फिर आउटपुट में 2 वायर जोड़ेंगे। ठीक है, तो आउटपुट के लिए फिर हम लेंगे 2 वायर रेड और ब्लैक प्लस माइनस के पहचान के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एम प्लस और एम माइनस जो लिखा हुआ है, तो एम प्लस में आपको रेड वाली वायर और एम माइनस में ब्लैक वाली वायर को जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस मॉड्यूल में 4 तार जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से कनेक्शन करने के बाद अब हम आइए इस मॉड्यूल में एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर को जोड़ करके हम आपको दिखाते हैं ये मॉड्यूल किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है। तो इस डीसी मोटर का प्लस माइनस देख करके इसका आउटपुट वाली वायर प्लस माइनस जो कि मॉड्यूल से आउटपुट हो रहा है कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। प्लस माइनस अगर आप उल्टा जोड़ेंगे तो आपका मोटर जो है उल्टा दिशा में घूमेगा, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि प्लस माइनस आपको देख करके लगाना है। अब आइए इसका इनपुट में हम 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई भी आपको देख करके लगाना है। प्लस माइनस अगर उल्टा लगेगा तो आपका मॉडल जो है खराब हो सकता है। ठीक है, तो रेड वाली वायर में पॉजिटिव सप्लाई यानी कि प्लस और ब्लैक में माइनस। ठीक है, अब आइए इस मॉडल को ऑन करते हैं। जैसे ही इसका नॉब को हम घुमाएंगे इस मॉड्यूल में एक इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, देखें फ्रेंड्स, जो कि रेड कलर का ग्लो कर रहा है। अब आइए इसका नोब को हम घुमाते हैं और देखते हैं कि स्पीड कंट्रोल इस मॉड्यूल से हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, जैसे जैसे मॉड्यूल का नोब को हम मूव कर रहे हैं मेरा डीसी मोटर का स्पीड जो है कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये इतना शानदार वर्क कर रहा है इस मॉड्यूल से ये डीसी मोटर। तो इस तरह से आप डीसी मोटर का स्पीड को इस मॉड्यूल से आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और कनेक्शन कितना सिंपल है आप देख ही सकते हैं। ठीक है, अब आइए इस मॉड्यूल में और हम क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो अब आइए इस मोटर का वायर को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी आउटपुट वाली वायर को, और यहाँ पे एक एलईडी बल्ब जोड़ करके देखते हैं कि मेरा एलईडी बल्ब जो है इस मॉड्यूल से कंट्रोल होता है या नहीं। ठीक है, तब आइए फटाफट इसका वायर को डिस्कनेक्ट करके एलईडी बल्ब को जोड़ते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, ये जो एलईडी बल्ब है ये 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब है। तो इस एलईडी बल्ब का जो प्लस माइनस है, इस मॉड्यूल का प्लस माइनस के साथ देख करके फिर से हम लगाएंगे। देखें फ्रेंड्स, इसमें अभी 12 वोल्ट सप्लाई है, लेकिन इस मॉड्यूल से हम कनेक्ट किए हैं तो मेरा ये लाइट खराब नहीं होगा क्योंकि इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें फ्रेंड्स, ये लाइट भी मेरा इस मॉड्यूल से
शानदार वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा कंट्रोल हो रहा है इसका लाइट, आप जितना चाहें इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस स्पीड कंट्रोलर से आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आइए इसका आउटपुट में एक एसी डीसी 12 वोल्ट का बल्ब को लगा करके देखते हैं कि मेरा बल्ब कंट्रोल होता है यानी, ठीक है, यानी बल्ब का लाइट इसमें कंट्रोल होता है यानी, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट का एसी डीसी बल्ब है, तो इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, कुछ भी वायर कहीं भी जोड़ सकते हैं। भाई इसको ऑन करके देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट भी मेरा, ये बल्ब भी मेरा इस मॉड्यूल से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मिनी डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर से मोटर का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, एलईडी बल्ब का भी लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इस टाइप का बल्ब को भी इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।